अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जैसे कि मेरा थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है और हमें प्राउड फील करवाने वाले हैं मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फातिमा सना और शाहीन शाह अफरीदी। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि बाबर आजम वन डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए उन्हें अवार्ड मिला है, मुंतखब किया गया था पहले और आज उन्हें अवार्ड के साथ नवाजा गया है। इसी तरह मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जो है मोहम्मद रिजवान को मिला है, और जो फातिमा सना है हमारी वुमेन क्रिकेटर, उन्हें इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ 2021 के अवार्ड के साथ नवाजा गया है, और जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो आज ये बहुत प्राउड मोमेंट हमारे लिए, और साथ ही साथ बाबर आजम को T20 और वन डे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान भी नॉमिनेट किया गया है 2021 के लिए। तो ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आजकल के सरकमस्टांसिस के हिसाब से जो इन्वायरमेंट है हमारे, कुछ न्यूज़ अच्छी नहीं आ रही, बैड न्यूज़ ही हमें हमारे साथ मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, तो लेकिन ये बहुत एक प्राउड मोमेंट है जो हमारे हमारे लिए फ़ख्र का बाज़ है, जो हमारे लिए हमें हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है इन चारों जनों ने, तो हमें इसे मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए।